ओआई का कोई प्रॉपर डेफिनेशन ही नहीं है, तो किस बुनियाद पे ओआई का पहचान किया जा रहा है? एनआरसी अथॉरिटीज भी एक गंभीर षड्यंत्र में शामिल है। नमस्कार, मैं चौधरी एस रहमान, स्वागत है आप सबको बोल्ड एंड लाउड शो में। दोस्तों, असम में चल रहे एनआरसी अपडेशन के संदर्भ में हमारा इस खास चर्चा में हमारा पहला विषय था असम में ही एनआरसी क्यों हो रहा है। तथ्यों के आधार पर इस सवाल का जवाब हमने पिछले एपिसोडों में दिया है। अगर आप लोगों में से किसी ने नहीं देखा होगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में क्लिक करके आप देख सकते हैं। दोस्तों, हमारा आज का विषय है एनआरसी में ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ओआई, मतलब मूल निवासियों को अलग से क्यों देखा जा रहा है। कैसे कोई भी नियम नीति की परवाह किए बिना लोगों को ओआई कैटेगरी में शामिल किया जा रहा है, इसके अंतर्निहित रहस्य आखिर क्या है और इंडियन सिटीजनशिप कानून आखिर क्या कहता है। दोस्तों, एनआरसी की प्रक्रिया के पहले चरण में लोगों में एक आतंक दिखाई देना शुरू हो गया था और वो आतंक था एनआरसी अथॉरिटीज द्वारा असम के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स कौन है ये शनाख्त करने को लेकर। वैसे इस प्रक्रिया का प्रावधान सिटीजनशिप रूल्स 2003 के अंतर्गत अमेंडमेंट किया गया स्पेशल प्रोविजन में लिखा हुआ है। इस बात को लेकर असम के हर एक जिले के लोगों में डर दिखाई देने लगा। दरअसल ये बात तब सामने आई जब एनआरसी प्रक्रिया के पहली चरण में ही एनआरसी के स्टेट कोऑर्डिनेटर की तरफ से हर जिले की डीसी डिप्टी कमिश्नर से VTR फॉर्म में ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया गया और आम लोगों की एप्लीकेशन जमा करने से पहले ही अपना मनचाहा हिसाब से लोगों के नाम OI कैटेगरी में शामिल करके रख दिया गया। बेसिकली इस विषय में असम के बराकबेली पार्ट को अलग से देखा जाना जरूरी है, क्योंकि असम के लिए ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स का अगर कोई डेफिनेशन निकाला जाए तो उस डेफिनेशन को आप बराकबेली, कार्बी अंगलोंग और डीमा हासाओ में लागू नहीं कर सकते। इसके पीछे ऐतिहासिक कारण है, हम आगे इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। खैर, ओआई को लेकर पूरी स्टेट के लोगों में जब बात जोर पकड़ा तब एनआरसी की स्टेट कोऑर्डिनेटर की तरफ से एक डिक्लेरेशन इशू किया जाता है और उसमें ये कहा जाता है कि ये प्रक्रिया इसलिए लागू किया गया ताकि एनआरसी की लिस्ट से कोई भी जेन्युइन सिटीजन का नाम छूट ना जाए। और साथ में ये भी कहा जाता है कि इन द ड्राफ्ट एंड फाइनल NRC to be published, nobody will be shown as original inhabitants or otherwise and will be identified in only one category, which is citizenship. NRC coordinator के द्वारा ऐसी declaration issue करने के बाद भी लोगों के मन में शंका बनी हुई थी और बहुत सी लोगों ने इस विषय में Supreme Court में petition submit किया था। उन लोगों ने अपने अपने इस petition में ये कहा कि NRC प्रक्रिया में original inhabitants को अलग से पहचान करना मतलब स्टेट में दो कैटेगरी का नागरिकता दिया जाना जैसे है। इससे आगे जाके लोगों में दो डिवीजन बन जाएगा और ये डिवीजन और ये ऐसा हो जाएगा कि ये फर्स्ट कैटेगरी एंड सेकंड कैटेगरी सिटीजन जैसा भविष्य में ये दिखाई देगा और इससे भविष्य में नौकरी पेशा सरकारी सुविधा आदि में हक पहले फर्स्ट कैटेगरी सिटीजन को ही मिलेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच ने इन सारी पिटिशन की सुनवाई करते हुए पिछले 5 दिसंबर 2017 को जजमेंट देते हुए कहा कि एनआरसी एप्लीकेशन प्रक्रिया नागरिकता कानून के धारा 6A के तहत किया जा रहा है, जो सिर्फ देश की नागरिकों की पहचान के लिए ही किया जा रहा है। इसीलिए पिटिशनर्स द्वारा उठाया गया सारी सवाल बेबुनियाद और निराधार है, ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन पिटिशनों को खारिज कर दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय में अपना पल्ला तो झाड़ लिया, लेकिन यहां सवाल खत्म नहीं होता। हाँ, हम मानते हैं कि यह प्रक्रिया इसलिए लागू किया जा रहा है ताकि कोई भी जेनुइन नागरिक का नाम एनआरसी से खारिज ना हो पाए, एनआरसी से छूट ना जाए। लेकिन यहाँ सवाल यह है कि किस बुनियाद पे लोगों को ओआई के तौर पे आइडेंटिफाई किया जा रहा है। ओआई का कोई डेफिनेशन है क्या किसी के पास? किसी भी कोर्ट ने आज तक ओआई का कोई प्रॉपर डेफिनेशन दिया है क्या? और अगर ओआई का कोई प्रॉपर डेफिनेशन ही नहीं है तो किस बुनियाद पे ओआई का पहचान किया जा रहा है? दोस्तों, सच या झूठ का हमें पता नहीं, लेकिन एक गोपनीय सोर्स से हमें पता चला
कि एनआरसी कोऑर्डिनेटर प्रतीक हाजेला के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया एक रिपोर्ट में ये हिसाब दिखाया गया कि पूरी असम में अभी तक लगभग 89 लाख लोगों को ओआई के तौर पर आइडेंटिफाई किया जा चुका है। ओआई के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने अपना पल्ला झाड़ लिया, लेकिन यहाँ एक और सवाल खड़ा हो गया। दोस्तों, आप लोगों को याद होगा एनआरसी के संबंधित हमारा एपिसोड 1 में हमने ब्रह्म कमेटी की रिपोर्ट के बारे में जिक्र किया था। असम में बीजेपी की सरकार आने के बाद असम सरकार द्वारा 2017 में फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर हरिशंकर ब्रह्म की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया था। उस कमेटी ने इस साल पिछले जनवरी महीने में अपना फाइनल रिपोर्ट असम सरकार को सौंपा। उसी रिपोर्ट के आधार पर असम सरकार अब असम के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स के लिए एक नई लैंड पॉलिसी निर्धारण करने जा रही है। दोस्तों, यहां एक खास जानकारी हम आप लोगों को देना चाहेंगे। नॉर्थ ईस्ट में ऐसे कुछ राज्य है जहां का लैंड पॉलिसी देश से अलग है। उन राज्यों में ऐसे नियम है कि वहां के मूल निवासियों के अलावा कोई और बाहर से जाकर जमीन नहीं खरीद सकता। इस साल 25 अप्रैल में हिंदुस्तान टाइम्स से निकला रिपोर्ट और 18 मई में स्क्रॉल में निकला हुआ ये रिपोर्ट देखिए, जो इसी तरह का लैंड पॉलिसी असम में भी लागू होने का अंदेशा जता रहा है। और हमें मिली जानकारी के मुताबिक असम की नई लैंड पॉलिसी भी ऐसे ही होने का चांसेस है। अभी इस बात से अंदाजा लगाइए कि एनआरसी में ओआई कैटेगरी का शनाख्त किया जाना आखिर किस तरफ इशारा कर रहा है और आगे जाकर इसका परिणाम क्या हो सकता है। दोस्तों, अगर इतिहास की पन्नों को पलट के देखा जाए तो देखिए क्या निकलता है। जैसे कि हमने पहले कहा था कि ओआई का डेफिनेशन अगर असम के लिए लिखा जाए तो बोराक वैली, कार्बी आंगलोंग और डिमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट के लिए ये डेफिनेशन लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि भौगोलिक दृष्टि से, भाषागत दृष्टि से, सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से बोराक वैली और ब्रह्मपुत्र वैली अलग था और अतीत में ये दोनों अलग ही थे। दोस्तों, इतिहास कभी बदल नहीं सकता और इतिहास को कभी बदला नहीं जा सकता। अगर पीछे मुड़ के असम का इतिहास पे नजर डाले तो देखिए 12वीं सेंचुरी के फर्स्ट पार्ट तक असम में चंद्रवंशियों ने राज किया। उसके बाद सन 1828 में दक्षिण पश्चिम चाइना के यूनान प्रदेश से ताई जनजाति के सुकाफा नाम के राजकुमार ने अपना सैन्य बल लेकर ब्रह्मपुत्र वैली में आकर वहां साम्राज्य का विस्तार किया और तब असम अहोम, चुतिया और कुछ वंशों में बट गया था। पूर्वी असम अहोम वंश के अधीन था, जिनका राजधानी शिवसागर में स्थित था। 1500 सेंचुरी तक अहोम वंश अपर असम का एक छोटा हिस्सा तक ही सीमित थे, लेकिन बाद में चुतिया और डिमासा वंश के कमजोरी का फायदा उठाते हुए अहोम वंश ने अपना साम्राज्य आज के ग्वालपाड़ा डिस्ट्रिक्ट तक विस्तार कर लिया था। अहोम वंश ने 1228 से 1826 सन तक कुल 600 साल असम में राज किया। अहोम साम्राज्य का एरिया आप इस मैप में देख सकते हैं, जो असम के आज ब्रह्मपुत्र वैली है। 1800 ईस्वी के बाद से अहोम वंश कमजोर होने लगा और उसी कमजोरी का फायदा उठाते हुए सन 1817 में बार्मिस ने अहोम राज्य पर आक्रमण किया और पूरी अहोम राज्य में इतना नरसंहार किया जिसको रोकने के लिए अंग्रेजों को आगे आना पड़ा और बार्मिस के खिलाफ लड़ाइयां लड़नी पड़ी। आखिर 24 फरवरी 1826 में ब्रिटिश और बार्मिस किंग आवा के बीच यांडावू में एक ट्रीटी साइन हुआ, जिसको हम यांडावू ट्रीटी के नाम से जानते हैं। इसके बाद पूरा अहोम किंगडम ब्रिटिश शासन में चला गया और धीरे धीरे साल 1838 तक डिमा हसाओ, बोराक वैली तथा पूरी नॉर्थ ईस्ट ब्रिटिश के कंट्रोल में चला गया और ब्रिटिश के बंगाल प्रोविंस में शामिल कर लिया गया। सन 1874 में असम को एक चीफ कमिश्नर के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में देकर बंगाल से अलग कर दिया गया था। साथ ही आज के कछार, हाइलाकंदी एंड करीमगंज डिस्ट्रिक्ट, जो तब सिलेट डिस्ट्रिक्ट का एक हिस्सा था, जिसको दोस्तों सिलेट बांग्लादेश में पड़ता है, बांग्लादेश का एक स्टेट है, तो सिलेट डिस्ट्रिक्ट का एक हिस्सा था जिसको सुरमा वैली कहा जाता था, उस सिलेट डिस्ट्रिक्ट को असम के साथ एनेक्स कर दिया गया था। 1947 में देश की आजादी के वक्त कछार, हाइलाकंदी के साथ करीमगंज की एक हिस्सा असम में शामिल कर दिया गया था और दूसरी हिस्सा सिलेट के साथ मर्ज कर दिया गया। एक बात यहां उल्लेख करना जरूरी है कि बोराक वैली कभी भी अहोम किंगडम में शामिल नहीं था। असम का यह हिस्सा हमेशा ही बंगालीज डोमिनेटेड था, जो पूर्वी बंगाल का एक हिस्सा रहा। भौगोलिक, भाषागत, सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से बोराक वैली अतीत में पूर्व बंगाल का ही एक विस्तार था।
यही है वो कारण जिसकी वजह से हमने कहा था कि ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स का डेफिनेशन अगर असम के लिए लिखा जाए तो बराक वैली, कार्बी एंगलोंग और डीमा हसाओ के लिए यह डेफिनेशन लागू नहीं किया जा सकता। दोस्तों, गौर करने वाली बात यह है कि सन 1828 से पहले आहुम भी यहाँ के नहीं थे, तो इनको इंडिजिनियस कैसे कहा जा सकता है? मजाक में कह रहे यार, बुरा मत मानना। इन सारी बातों के मद्देनजर जरा सोचिए दोस्तों, बिना कोई डेफिनेशन तय किए कैसे लोगों को वाई कैटेगरी में शामिल किया जा रहा है, ये कैसे लीगल हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट को भी पहले ये तय करना चाहिए था कि ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स का डेफिनेशन क्या होना चाहिए। आखिर हमारा देश गणतांत्रिक प्रक्रिया से चलता है, यहाँ कोई भी फैसला देश की जनता पर थोपा नहीं जा सकता। इस पर सुप्रीम कोर्ट को भी गंभीरता से सोचना जरूरी है। दोस्तों, सन 1832 में असम का बराक वैली पर्शियन ब्रिटिश शासन में शामिल हुआ। उससे पहले सन 1562 तक बराक वैली पर्शियन असम का जो आज का बराक वैली पर्शियन है वो त्रिपुरा किंगडम का एक हिस्सा था। फिर सन 1745 तक यह हिस्सा कुछ किंगडम का शासन में था। उसके बाद 1832 तक कछारी किंगडम के अंतर्गत रहा, लेकिन यह हिस्सा कभी भी आहुम किंगडम का हिस्सा नहीं रहा। यह एरिया ब्रिटिश शासन में ही असम में एनेक्स हुआ था। दोस्तों, सन 1851 तक असम के इस बराक वैली क्षेत्र में एक भी हिंदी भाषी लोग नहीं थे। सन 1855 में कछार डिस्ट्रिक्ट के बोराखाई नाम के गांव में जब चाय का पत्ता पाया गया, तभी हिंदी भाषी लोगों को अंग्रेज द्वारा इस इलाके में लाया गया था चाय की पत्ता उगाने के लिए। लेकिन आप लोग देख सकते हैं, यहाँ एनआरसी अथॉरिटीज के द्वारा कुछ हिंदी भाषी लोगों को वाई कैटेगरी का दर्जा दिया गया, जो आश्चर्य करने वाली बात है। एनआरसी अथॉरिटीज ने कुछ सरनेम्स जैसे भौर, माल, कुर्मी, ग्वाला, ऐसे लोगों को वाई कैटेगरी पे आइडेंटिफाई किया। लेकिन यह सवाल आता है कि किस बुनियाद पे एनआरसी अथॉरिटीज ने ऐसा किया? क्या एनआरसी अथॉरिटीज के लिए इन सवालों का जवाब देना जरूरी नहीं है? हमारे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट और एनआरसी अथॉरिटीज की तरफ से सबसे बड़ी चूक यहाँ हुआ कि उनके द्वारा दिया गया एनआरसी एप्लीकेशन में एप्लीकेंट्स के लिए ऐसा कोई प्रोविजन ही नहीं दिया गया कि एप्लीकेंट्स प्रामाणिक तौर पे ये बता सके कि वे ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स है या नहीं। ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स को आइडेंटिफाई करने का दायित्व एनआरसी अथॉरिटीज ने अपने ऊपर रखा, जो सरासर अगणतांत्रिक है। लेकिन इतिहास के विपरीत जाके एनआरसी अथॉरिटीज ने कैसे किसी को भी ओआई घोषित कर दिया? क्या इससे ये साबित नहीं होता कि एनआरसी अथॉरिटीज भी एक गंभीर षड्यंत्र में शामिल है? एनआरसी अथॉरिटीज को अच्छी तरह से सोच विचार करके कदम उठाना चाहिए, क्योंकि उनका एक भी गलत कदम असम को फिर से आग में डाल सकता है। दोस्तों, हम यहाँ असम के कछार जिले के कुछ एप्लीकेंट्स के बारे में आप लोगों को बता रहे हैं।
कैसे इन लोगों को वास्तविकता से परे होकर ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स के तौर पे आइडेंटिफाई किया गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होता, इसका जवाब आगे जाकर एनआरसी अथॉरिटीज को देना ही पड़ेगा। देश की जनता को भी इस विषय पर आगे आकर बात करना चाहिए ताकि देश में शांति बहाल रहे, शांति कायम रहे। दोस्तों, इतिहास की ऐसी जानकारी और तथ्यों के आधार पर विश्लेषण को लोगों तक पहुंचाना हम सबकी जिम्मेदारी है ताकि देश की लोगों में जागरूकता बढ़े और लोगों के मन में पनप रहे गलत फहमियां दूर हो जाए। इसलिए दोस्तों, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और पहचान वालों से सब्सक्राइब करके और करवा के ऐसी जानकारी लोगों तक पहुंचाने में हमारा साथ दे। और हाँ दोस्तों, बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। तो दोस्तों, जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में और बड़ी खुलासे के साथ, तथ्यों के आधार पर विश्लेषण के साथ। बहुत बहुत आप लोगों का आभार। नमस्कार, जय हिंद।